गाइस अभी देखो मैं आ चुका हूँ जहाँ पे रावण बनाने का प्रक्रिया चालू है। तो अभी देखो इसका फेस पूरा रेडी हो गया है और इसे अभी वही कलर डिटेलिंग करेंगे। और इधर देखो भैया लोग पूरा एकदम तैयारी कर रहे हैं उसका बॉडी का। चलो मैं अभी आपको अंदर जा करके दिखाता हूँ क्या क्या है। यही वो ग्राउंड है जहाँ पे आपका रावण दहन होगा 10 मई के दिन। तो वो देखो पूरा टेंट वगैरह लगाया जा रहा है, मतलब कि कन्फर्म है कि इस साल रावण दहन आपका होगा ही। तो आपको पता है कि ये कौन सा जगह है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इस बार इन्होंने फिर तो बहुत ही औसम चीज़ बना दिया। अगर आप कभी मार्केट जाते हो तो सबसे पहले आप एक काम करो कि गुपचुप खा लो। तो मैं गुपचुप खा रहा हूँ और अगर आपको चाहिए तो आप मार्केट जाइए और गुपचुप खाइए। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हे गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में फिर से मैं आपको दिखाऊंगा हजारीबाग के 5 बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल। और अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो आई लिंक में इंडिकेट हो रहा होगा, उसे जाकर के क्लिक करें और वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो अभी मैं आया हूं हुड़ू के पास और यहां देख बहुत ही बड़ा ही दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है, पूरा येलो येलो और पूरा एकदम गगन चूम रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो यार कितना ऊंचा और बहुत बड़ा ही बना है यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल, पूरा एकदम छोटी छू रहा है। हुड़ू के मेन चौराहे पे ये जो दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है और ये देख लो, और पूरा एकदम आगे तक गेट गया इसका और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे पूजा पंडाल के पास और वहाँ का भी आपको बहुत अच्छा व्यू दिखाते हैं। देखिए ये रहा यशवंत नगर गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ बांस लगा हुआ है। अभी हम लोग घूमते फिरते आ चुके हैं यशवंत नगर के पास और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दुर्गा पूजा पंडाल बहुत ही अच्छा खूबसूरत ही बनाया गया है लोटस के थीम के साथ। और मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से, ये भी एक फेमस एरिया है घूमने के लिए और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है पूरा लोटस का थीम लेकर के, और देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और पूरा एकदम लाइट से सजाया गया पूरा इस जो एरिया है यहाँ देखो। और अभी भी भैया लोग काम कर रहे हैं और पूरे पानी जो जमा है उसे क्लियर कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो घूमने में। और पूरा लाइट वगैरह लगाया गया यहाँ से पूरा रोड तक। गाइस अंदर से देखो कुछ ऐसा व्यू है, अंदर मंदिर है और यहाँ पे माता का मूर्ति लगा हुआ है, तो पट ढका हुआ है, हो सके शाम तक खुल जाए। भैया पट कब खुलिएगा, पट कब खुलेगा? कल सुबह। तो गाइस कल सुबह खुलेगा यहाँ पे। चलो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं और दूसरे पूजा पंडाल की तरफ रुख करते हैं। तो अभी पढ़ते हैं यहाँ से। चीज बना दिया। घूमते फिरते फिर से आ चुके हैं बड़ा बाजार के पास। तो ये बड़ा बाजार का दुर्गा पूजा पंडाल है मेरे पीछे देख रहे हो, इस बार आप देखोगे तो बहुत ज्यादा ही चौक जाओगे क्या बनाया है लोग। तो चलो बिना लेट के मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से क्या क्या है। और इस बार फिर इन्होंने बहुत ही औसम चीज बना लिया पूरा बांस से, पूरा बांस का ही ये पूरा एकदम बना हुआ है। और ये सेल्फी पॉइंट बना रहे मेरे ख्याल से, देखता हूँ कोशिश करता हूँ अंदर लाने का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, चलो अभी अंदर जाकर देखते हैं। गाइस देखो यार अंदर का डेकोरेशन पूरा कितना खूबसूरत ही लग रहा है, बहुत ही औसम लुक है। सीलिंग यार बहुत ही ज़्यादा ही है, बहुत ही खूबसूरत बनाया यार इन्होंने, पूरा बांस का ही बना हुआ है, सारा बांस का लकड़ियाँ यूज करके ये सब फ्रेम वगैरह बनाए। और वो अंदर का वो थर्मोकॉल का पंडाल बना है, बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत बना हुआ है। जैसे कि अभी प्रभात खबर वाले अंकल आ गए थे और वो इंक्वायरी करने लगे थे, तो इसे जो भी था मैंने रिकॉर्ड किया वो आप देखो और उसके बाद बताओ और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल। और ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक देते हो। चल बस तो लाइक है क्या, काम करने दे। क्या दर्शन है,
चाह रहा हूँ। बैम्बू एंड केन का मतलब बांस बेत और चटाई ऊपर डेकोरेटिव किया। बांस बेत और चटाई जो है आपको बनाने में टोटल कितना समय लगा? एक महीना। असंभव। मैंने इस ये जो किस चीज का बना है, मैंने ये तो बना है, ये मिटेरियल थीम थीम है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं क्या थीम? एक अक्षरधाम मंदिर का पैटर्न। अक्षरधाम है? अक्षरधाम मंदिर का? अक्षरधाम नहीं, वो मंदिर का पैटर्न। अरे कहना क्या चाहते हो? राजस्थान। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी हम लोग आ चुके हैं कालीबाड़ी के पास और यहाँ का जो दुर्गा पूजा पंडाल है, और अभी यहाँ पे आया हूँ तो देख करके बहुत ही अचंभ हो गया, क्योंकि यहाँ पे एकदम पेड़ वाला एकदम थीम है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरा काम चल रहा है और ट्री का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, वो लर वगैरह गिरा रहे हैं उनका, और इसी से बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। मैं देखता हूँ अंदर जा करके, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा अंदर में पेड़ ही पेड़। और इधर है माता का मूर्ति। सीलिंग देखो यार, कितना गजब का बना है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। भैया सब बरगद पेड़ है ना? बरगद पेड़ ही है ना, तो बरगद पेड़ का थीम है इनका। गाइस इस साल तो सब गजब गजब का थीम लेकर के आ गए हैं बनाने के लिए। यार ऐसा सोच भी नहीं सकता था कैसा भी थीम होता है, लेकिन अब है तो है। घूम के एंजॉय कीजिए और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ। तो चलो अभी वहाँ मिलते हैं। खाओ खाओ कुल्फी का मजा लो। मैं यहाँ पे आया था वैसे दुर्गा पूजा के पंडाल को कैप्चर करने के लिए, बट यहाँ मार्केट में यहाँ पे मम्मी और सिस्टर मिल गई और अभी बोले शॉपिंग कर रहे थे तो हमने भी बुला लिया और साथ में घुमा रहे थे। तो अभी लास्ट दुर्गा पूजा का पंडाल बचा हुआ आपके लिए विष्णुपुरी के पास। तो अभी ये पीछे देखो कुछ इस तरह का पंडाल बना हुआ है यहाँ पे, और आज लगता है जागरण वगैरह का भी व्यवस्था है। तो अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो गाइस देखो वहाँ पे स्टेज वगैरह बनाया गया है और वहाँ पे लगता है जागरण वगैरह का व्यवस्था है। और ये रहा माता का मंदिर, यहाँ सामने में दिख रहा हुआ आपको। देखो मेरे पीछे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट हो गया यहाँ पे, और अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, बाय। वैसे मैं बता दूं एक चीज़ भूल गया हूँ दोस्तों। छोटे मोटा में हर साल रावण दहन होता था, तो अभी कुछ दो साल से यहाँ पे रावण दहन नहीं हो रहा था। तो अभी मैं आपको कन्फर्म बता देना चाहता हूँ कि अभी इस साल रावण दहन होगा। तो मैं उसी ग्राउंड के सामने खड़ा हूँ जहाँ पर ये रावण दहन होगा। तो ये डेमोटार का ही एरिया है और यहीं पे ग्राउंड है, तो यहाँ पे ही वो ग्राउंड है, यहाँ पे रावण दहन होगा। और अभी रावण बनाने का प्रक्रिया यहाँ पे चालू है और मैं अभी आपको उसका भी क्लिप दिखाऊंगा। तो अभी जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये इधर आगे जाइएगा तो निर्मल सिंह होटल मिल जाएगा, और इधर आप जाइएगा तो इधर से हजारीबाग का एरिया। तो अब कुल मिला के बात यह है कि ये डेमोटार एरिया में, यहाँ पर आके आप किसी को पूछेंगे तो आपको बता देगा कि रावण दहन कहाँ होता है। तो नाम याद रखिएगा डेमोटार। तो अभी चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि रावण जो है वो अभी कहाँ तक कंप्लीट हुआ बन करके। तो चलो अभी चलते हैं। अभी देखो मैं आ चुका हूँ जहाँ पे रावण बनाने का प्रक्रिया चालू है। तो अभी देखो उसका फेस पूरा रेडी हो गया है और इसे अभी वही कलर डिटेलिंग करेंगे। और इधर देखो भैया लोग पूरा एकदम तैयारी कर रहे हैं उसका बॉडी का। चलो मैं अभी आपको अंदर जा करके दिखाता हूँ क्या क्या है। तो रावण का अभी सर रेडी हो चुका है और अभी इसको पूरा एकदम डिटेलिंग करेंगे, उसके बाद ये पूरा एकदम एक साथ ज्वाइंट किया जाएगा। तो अभी इसका बॉडी, नीचे का पार्ट, गर्दन का पार्ट पूरा रेडी हो रहा है। तो पूरा एकदम ढक चुका है, पूरा एकदम भैया लगे हुए हैं जोरों शोरों से। आप लोग यहीं लोकल कारीगर हैं? हर साल आप ही लोग बनाते हैं?
तो ये गर्दन का पार्ट हो गया और वो नीचे का पार्ट बोले तो फ्रॉक, और ये हाथ पैर उनका सही सलामत से बनाया जा रहा है, पूरा बांस का ही बन रहा है। तो अभी पूरी तैयारी चल रही है, अभी पूरा एकदम और ये अभी देखो इसका वही तलवार बोल सकते हो, तो ये तलवार बना रहे हैं। और ये आंख वगैरह बनाना बचा हुआ है, और इसे ही कंप्लीट करने के बाद रावण दहन होगा। मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आ जाइएगा दसवीं के दिन, यहाँ पे अभी आपका रावण दहन होगा, कंफर्म हो गया। और ये देखो यार फेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मेरे से फेस ही इतना बड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फिट का बन रहा होगा। पूरा हमको लगता है ये 40 से 50 फिट का ही बन रहा होगा ये रावण, मैं कन्फर्म हो जाता हूँ कितना फिट का है पूछ कर। कितना फिट बना रहे हैं? अच्छा कैसे, कितना फीट बना रहे हैं? 50 फीट। तो गाइस 50 फीट का ये रावण बन रहा है, तो देखने में यार बहुत मजा आएगा। यहाँ पे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।